तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। गाइस यार, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ मी वेट 1.5 से रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन कि आज कौन सा डिवाइस को यहाँ पर अपडेट देखने को मिला है और कौन सा डिवाइस यहाँ पर लॉन्च हुआ है और क्या क्या यहाँ पर नया इन्फॉर्मेशन है। आज की वीडियो में आप सभी को यही बताने वाला हूँ। तो गाइस यार, इस वीडियो को एंड तक देखना, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और साथ में मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, जहाँ पर आप सभी को हर अपडेट से रिगार्डिंग सबसे पहले इन्फॉर्मेशन और डाउनलोड लिंक प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या नया इन्फॉर्मेशन है। तो फाइनली पोको F3 GT को यहाँ पर प्राइज निकल के आ चुका है। तो गाइज यार, अगर आप पोको F3 GT के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसका क्या प्राइस है, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाएं, आपको वहां सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, फाइनली पोको X3 डिवाइस को हमारे इंडिया में 12 का, जी हाँ दोस्तों, MIUI 12 का नेक्स्ट अपडेट देखने को मिला है 12.0.2.0 का। अगर दोस्तों ये अपडेट आपको नहीं देखने को मिला है तो एक बार जरूर चेक कर ले, चेक फॉर अपडेटर ऐप के थ्रू आपको वहाँ ये अपडेट जरूर देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे यूज़र का ये कहना है कि ये जो अपडेट हमें देखने को नहीं मिला है। तो गाइज यार, ये जो अपडेट कुछ यूज़र को ही मिला है, सभी यूज़र को रोल आउट नहीं किया गया है। उसका दोस्तों, रिसेंट में जो अभी Redmi Note 10 Pro डिवाइस में अपडेट देखने को मिला था, उस अपडेट में एक बग देखने को मिला है। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, Redmi Note 10 Pro डिवाइस में Wide 1 L1 का सपोर्ट था, पर यहाँ पर Wide 1 L1 के बजाय L3 हो गया है। तो गाइज़ यार, ये अपडेट यहाँ पर निकल के आया है Xiaomi की तरफ से, और ये जो बग है, हो सकता है नेक्स्ट अपडेट का वेट करना पड़ेगा, तभी जाके फिक्स होगा। अदरवाइज जब तक L3 है, तब तक आप उसी से काम चलाओ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे यूज़र की तरफ से ये सवाल आ रहे हैं कि MIUI 13 का जो अपडेट है, उसका जो नया लुक है वो थोड़ा अलग कर दिया गया, मतलब उसका कंट्रोल सेंटर यहाँ पर निकल के आ गया, जो हम आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर पिक्चर जो है अपलोड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर MI 10 डिवाइस को फाइनली इंडिया में MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिल चुका है। उसका दोस्तों, Redmi Note 10 T Pro डिवाइस को ग्लोबल में MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिल चुका है। तो जिसके पास ग्लोबल वेरियंट है 10T Pro, वो एक बार जरूर चेक करें अपने डिवाइस को, हो सकता है अपडेट आप सभी को वहाँ देखने को मिल जाए। उसके बाद दोस्तों, अगला जो डिवाइस है रेडमी का 8T, जी हाँ दोस्तों, रेडमी 8T को फाइनली अपडेट देखने को मिला है ग्लोबल में। पर यार, हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि रेडमी नोट 8 सीरीज को तो अपडेट मिल ही रहा है ग्लोबल चाइना जैसे जगहों में, पर हमारे इंडिया में पता नहीं अपडेट क्यों नहीं रोल आउट कर रहा। हमारे इंडिया से क्या दुश्मनी है सबको, अपडेट जो यहाँ पर काफ़ी सारा डिले हो रहा है अपडेट में। उसके बाद दोस्तों, Redmi Note 10 Pro Pro Max जिन यूज़र को 12.5.4.0 का अपडेट नहीं देखने को मिला था, अब वो एक बार चेक फॉर अपडेटर ऐप के थ्रू जरूर चेक कर लें, आपको वहाँ ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि Xiaomi की तरफ से ये अपडेट दोबारा रोल आउट किया गया है अभी अभी, जो 600 MB के आसपास है। तो एक बार जरूर चेक करें, आपको वहाँ ये अपडेट Redmi Note 10 Pro Pro Max में देखने को मिलेगा। गाइस यार, इस वीडियो में कुछ इतना ही इन्फॉर्मेशन था जो कि हमने आप सभी को बता दिया है। पर यहाँ पर कुछ यूजर का ये कहना है कि हमारे डिवाइस में कब मिलेगा अपडेट, मतलब बहुत सारे डिवाइस हैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन खड़े हैं, जैसे कि Redmi 7 है, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi Note 8, Note 8 Pro, Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 9, Redmi 9C, Redmi Note 9, Note 9 Pro, Poco M2, M3 का दोस्तों, यहाँ पर Redmi 9 Prime, Redmi 9 Power, मतलब काफ़ी सारे डिवाइस हैं। उनके तरफ से सवाल आ रहे हैं कि हमें अपडेट कब मिलेगा। तो गाइस यार, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं कि कब अपडेट मिलेगा। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगा, हम आप सभी को बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।